राजपुताना की अनकही गाथा 9। क्या आपको मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के समय रचे षड्यंत्र के बारे में पता है? बात अगस्त 1894 की है। एजीजी असिस्टेंट गवर्नर जनरल कर्नल ट्रेवर व्यक्तिगत तौर पर महाराणा फतेह सिंह से पुनः मेल मिलाप करने आबू से उदयपुर आए। नए रेसिडेंट अधिकारी कर्नल वाइली के महाराणा फतेह सिंह के साथ अच्छे संबंध थे। जब एजीजी कर्नल ट्रेवर महाराणा से मिले तब महाराणा ने मेहता राय पन्ना लाल को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करने की इच्छा जताई। महाराणा ने कहा, मेरी राय में पन्ना लाल एक कपटी है, वह मेरे विरुद्ध हर तरह का षड्यंत्र रच रहा है एवं भ्रष्टाचारी भी है। मैं पन्ना लाल को पहले ही बर्खास्त कर देता लेकिन ब्रिटिश सरकार की दखल के डर से नहीं कर पाया। प्रख्यात इतिहासकार बीके गुप्ता अपनी किताब स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री राजस्थान थ्रू द एजेस में लिखते हैं, कर्नल ट्रेवर को महाराणा के विचार पसंद नहीं आए लेकिन उन्होंने महाराणा को पन्ना लाल को हटाने के फैसले पर अटल पाया। यह निर्णय लिया गया कि मेहता राय पन्ना लाल 1.5 वर्ष के अवकाश के बाद पद त्यागना होगा, लेकिन महाराणा के साथ हुई इस बैठक में कर्नल ट्रेवर ने एक शाही उद्देश्य भी हासिल किया। महाराणा द्वारा पन्ना लाल की बर्खास्तगी की मांग को स्वीकार करते हुए वे चित्तौड़ से उदयपुर तक लंबे समय से लंबित रेल लाइन के निर्माण के लिए महाराणा को मनाने में सफल रहे। उस समय एक ब्रिटिश रेसिडेंट अधिकारी कर्नल पिटनी ने ब्रिटिश पत्रिका में मेहता राय पन्ना लाल के बारे में लिखा था। क्या लिखा था? वे कहते हैं, मैं अपने जीवन में शाही व्यक्तियों और गणमान्य व्यक्तियों से मिला एवं निराश भी हुआ, लेकिन एक व्यक्ति जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा वे हैं मेवाड़ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राय पन्ना लाल मेहता। जब मैंने उन्हें देखा था वे अपने श्वेत पहनावे में थे, राजपूती सीधी सफेद दाढ़ी में उनका चेहरा मुलायम झुर्रियों में पार्चमेंट जैसा प्रतीत होता था। जिस गौरव के साथ वे सोचते थे उनकी नजर एवं काया मानो धोखाधड़ी और चापलूसी को ललकार रही हो। जबकि वे खुद मृदुभाषी थे फिर भी उनकी शांत मौजूदगी में हर अक्षर साफ सुनाई पड़ता था। मैंने सोचा कि अगर 500 वर्षों का बच्छावत मेहता पीढ़ियों के पालन पोषण का यह परिणाम है तो इन गुणों को अपने वंश की खुशहाली एवं संरक्षण के लिए इनके बारे में जरूर लिखा जाना चाहिए। दोस्तों, पूरा किस्सा पढ़िए हमारी पुस्तक पराक्रम और परंपरा में। धन्यवाद। You can place your order at www.notionpress.com.